प्यारे बच्चों कक्षा दसवीं गणित विषय के अध्याय चार द्विघात समीकरण के प्रश्नवाली चार चार के प्रश्न क्रमांक एक में हम मूल तथा उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे निम्न द्विघात समीकरण यहाँ दिए गए हैं जिसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और उनका अस्तित्व है कि नहीं तो उन्हें भी ज्ञात करना है तो इस प्रकार से पहला प्रश्न है दो एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन पाँच बराबर शून्य इसके हम सबसे पहले तो इसकी प्रकृति जानेंगे इसके लिए हम विभिकर का उपयोग करते हैं यहाँ पे समीकरण में हमें ज्ञात है ए का मान दो है बी का मान ऋण तीन है तथा सी का मान पांच है यह मान हम विभिक्तिकर के सूत्र में रखेंगे चार ए सी इसमें हम ए तथा बी तथा सी के मान यदि रखते हैं तो बी का मान ऋण तीन की घात दो ऋण चार गुणित ए का मान दो तथा सी का मान पाँच लिखेंगे सरल करेंगे तीन की घात दो अर्थात तीन तिया नौ ऋण चार दून आठ अठपना चालीस चालीस नौ में से चालीस घटाने पर ऋणात्मक संख्या इकतीस प्राप्त होती है जो कि शून्य से छोटी है अतः हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है आइए हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं तीन एक्स या दो ऋण चार कर्णी तीन एक्स धन चार बराबर शून्य यहाँ ए का मान तीन तथा बी का मान ऋण चार कर्णी तीन है और सी का मान चार है अब कर चूंकि बी कावर ऋण चार ऐसी होता है तो इसमें हम ए बी तथा सी के मान रखेंगे बी का मान ऋण चार कर्णी तीन की घात दो लिखेंगे ऋण चार गुणित ए का मान तीन तथा सी का मान चार लिखेंगे इसे हम सरल करेंगे सरल करने पर चार चौ सोलह तिया अड़तालीस होगा और चार तिया बारह को अड़तालीस चूंकि शून्य प्राप्त हुआ है तो हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल हैं और ये दोनों बराबर होंगे यहाँ ए तथा बी का मान रखने पर बी का मान हम लिखेंगे ऋण चार करने तीन बटे दो गुणित तीन इसे हम सरल करते हैं तो चार कर्णी तीन बटे दो गुणित तीन को हम करणी तीन गुणित करणी तीन लिख सकते हैं यहाँ पर हम चार को दो बार कैंसिल करते हैं दो से और करणी तीन से करणी तीन कैंसिल कर देते हैं तब हमें प्राप्त होगा दो बटे कर्णी तीन इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों मूल प्राप्त होते हैं दो बटे कर्णी तीन एवं दो बटे कर्णी तीन प्रश्नावली के पहले का तीसरा प्रश्न है दो एक्स या दो ऋण छः एक्स धन तीन बराबर शून्य इसमें ए का मान बी का मान ऋण छः तथा सी का मान तीन है चूँकि विविक्तकर का सूत्र बी का वर्ग ऋण चार ए सी है तब हम ए तथा बी तथा सी का मान रखेंगे बी का मान ऋण छ तथा ए का मान दो तथा सी का मान तीन रखने पर सरल करेंगे तो छत्तीस ऋण चौबीस प्राप्त होगा घटाने पर बारह प्राप्त होगा जो कि शून्य से बड़ी है धनात्मक संख्या प्राप्त होती है दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल हैं वास्तविक मूल हैं तो हम इसे ज्ञात करेंगे क्योंकि सूत्र x बराबर ऋण बी धन ऋण कर्णी बी वर्ग ऋण चार ईसी बटे दो ये होता है इसमें हम यदि मान रखते हैं तब सीधे यहाँ b बी वर्ग ऋण चार का मान बारह रख दें बटे दो गुणित दो लिखेंगे सरल करेंगे छः धन ऋण करणी बारह को हम चार गुणित तीन लिख सकते हैं चार का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है तब इसे लिखेंगे छः धन ऋण दो करणी तीन बटे चार दो कॉमन करने पर ओबेनिष्ट लेने पर यहाँ पे तीन धन करणी तीन प्राप्त होता है बटे लिखेंगे चार को हम दो गुणित दो गुणखंड के रूप में यदि लिख दें तब यहाँ से दो से दो कैंसिल हो जाता है तब हमें दो मूल प्राप्त होते हैं यहाँ पर तीन धन ऋण कर्णी तीन बटे दो तो यहाँ तीन धन कर्णी तीन बटे दो लिखेंगे तथा तीन ऋण कर्णी तीन बटे दो